बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हाउ टू कंप्रेस फोटो साइज़ विदाउट लूजिंग क्वालिटी के इस टाइटल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, इम्तियाज़ हुसैन। व्यूअर्स, आज के इस टाइटल में मैं आपको बताऊँगा किस तरह से हम अपनी फ़ोटो का जो साइज़ है वो हम कम कर सकते हैं, और वो भी इस सूरत में कि जो फ़ोटो है उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो। तो व्यूअर्स, ऐसा कब हमें पेश होता है कि फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पर व्यूअर्स एक वेबसाइट ओपन करता हूँ लाइक ETC PU रजिस्ट्रेशन। लाइक हम जब भी किसी बड़े कॉलेज में या कहीं पे भी हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या किसी भी स्कूल का एडमिशन भेजते हैं, तो वहाँ पे लिमिट दी गई होती है, या ऑनलाइन किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे लिमिट दी गई होती है कि आप इतनी बड़ी इमेज जो है वो अपलोड कर सकते हैं, उससे बड़ी नहीं। जैसा कि फ़र्ज़ करो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर कंडीशन दी गई है 200 KB। अगर हम PPSC या कोई और दूसरी देखते हैं तो वहाँ पर लिमिट दी गई होती है, उससे भी कम होती है 20 KB। लाइक लाहौर बोर्ड के लिए 20 KB या इससे भी कम। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि इमेज की क्वालिटी भी ख़राब ना हो और इमेज का साइज़ भी कम हो जाए? तो इसके लिए मैं यहाँ से नेट से एक फ़ोटो डाउनलोड करूँगा। कोई भी रैंडम फ़ोटो आप पिक कर सकते हैं। मेरे पास देखें, अब इस फ़ोटो का जो साइज़ है वो 486 KB है। अगर मैं अब इस फ़ोटो को 486 KB, अगर फ़र्ज़ करो मैं इसे यहाँ पे अपलोड करता हूँ, यहाँ पे ब्राउज़ करूँगा, ब्राउज़ करने के बाद मैं डाउनलोड में आता हूँ और यहाँ से आके अपनी इस फ़ोटो को पिक करता हूँ। तो ये देखें, उन्होंने कहा प्लीज़ चूज़ एन इमेज ऑफ मैक्सिमम साइज़ 200 KB। हम इसे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं इजीली? MS ऑफिस को यूज़ करके, अगर हम ऑनलाइन काम नहीं कर रहे तो। तो व्यूअर्स, आपने करना यह है कि हमारे पास MS ऑफिस ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, तो MS ऑफिस के अंदर एक फ़ीचर दिया गया है जिसे मैं यहाँ पे आपको शो करवा देता हूँ, जिसे हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। इसे आपने ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे ये इमेज इस पिक्चर मैनेजर में ओपन हो जाएगी। मैं एडिट पर क्लिक करूँगा, यहाँ से हम इसे कट भी कर सकते हैं और जो है इसका साइज़ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसा कि फ़र्ज़ करो मैं इसे क्रॉप करूँगा ताकि इसमें से मोनोग्राम वगैरह ख़त्म हो जाएं और इसमें जो एक्स्ट्रा बॉडीज़ हैं उसे मैं रिमूव कर दूं और इसमें ओके करूंगा। अभी देखें हमारे पास ये ओके हो चुकी है। अब मैं इसको जो है दोबारा एडिट करूंगा। अब मैं इसका साइज़ कम करना चाहता हूं तो मैं कंप्रेस इमेज पर क्लिक करूंगा। अगर सबसे पहले डॉक्यूमेंट, अगर मैं डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूंगा तो इसका साइज़ हो जाएगा 170 KB। लेकिन यह भी मेरे गुजारे के मुताबिक नहीं, क्योंकि अगर हम PPSC या लाहौर बोर्ड का या किसी दूसरे बोर्ड का एडमिशन भेजते हैं तो उसके लिए इससे भी कम साइज़ रिक्वायर हो रहा है। तो मैं करता हूँ वेब पेज, अगर मैं वेब पेज करता हूँ तो इसका साइज़ हो जाएगा 32.6 KB। अगर इतना ठीक है तो इसे ओके कर देंगे, अगर इतना भी ठीक नहीं है तो हम दोबारा इसे ले आएंगे फिर ईमेल मैसेजेस पे, और यहाँ पर इसका साथ जो है साइज़ हो जाएगा 7.41 KB। और मैं करूँगा क्लिक कंप्रेस और कर दूंगा यहाँ से कंट्रोल एस, और जैसे ही मैं इसे कैंसिल करूंगा ये देखें व्यूअर्स, इसकी क्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये आपको सेम अभी भी उतनी ही साइज़ में नज़र आ रही होगी। अगर मैं इसे ओपन भी करता हूँ तो यहाँ पे ये तकरीबन साइज़ में छोटी होगी, लेकिन फिर भी ये तकरीबन कुछ बेटर हालत में है, बजाय इसके कि हम जो है अडोब फोटोशॉप या कोई दूसरी चीज़ यूज़ करें। इसमें हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ी और हमने इसका जो साइज़ भी रिड्यूस कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए मामूल साबित होगा। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब ओपन करें और यहाँ पर सिंपल सर्च करें इम्तियाज़ हुसैन। आपको फर्स्ट चैनल मेरा मिलेगा और इसके साथ आपको जो है सब्सक्राइब का बटन जो है नज़र आ रहा है इस वीडियो के नीचे रेड कलर का, उस पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ जो हैं वो वक्त के साथ साथ मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।